राइट क्वेश्चन बैलेंस द फॉलोइंग केमिकल इक्वेशंस. फर्स्ट इन पोटेशियम ब्रोमाइड बेरियम क्लोराइड गिव्स पोटेशियम आयोडाइड इन एक्वस फॉर्म प्लस बेरियम ब्रोमाइड इन सॉलिड फॉर्म. ओके फर्स्ट वन यू विल नोटेड दैट द सिंबल ऑफ पोटेशियम पोटेशियम इज रिटन एज के. नेक्स्ट वन ब्रोमाइड ब्रोमाइड इज रिटन एज बी आर ऑलराइट इन एक्वस फॉर्म. प्लस नेक्स्ट वन इज बेरियम इज रिप्रेजेंटेड एज बी ए. नेक्स्ट वन आयोडाइड इज रिप्रेजेंटेड एज आई इन एक्वस फॉर्म. नाउ गिव्स पोटेशियम इज रिप्रेजेंटेड एज के. आयोडाइड इज रिप्रेजेंटेड एज आई इन एक्वस फॉर्म. प्लस बेरियम इज रिप्रेजेंटेड एज बी ए. ब्रोमाइड इज रिप्रेजेंटेड एज बी आर इन सॉलिड फॉर्म. ऑलराइट स्टूडेंट फर्स्टली यू विल नोटेड दैट पोटेशियम के. ओके इट्स बैलेंसिस. ओके नाउ स्टूडेंट नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स ऑफ के. नाउ फाइंड द नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स के. इट्स बैलेंसी एनाटॉमिक नंबर इज 19 2, 8, 1. इट्स योर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन. यू विल राइट देम. ओके 19 2, 8 10 10 प्लस 8 18 प्लस 1 19. इट मीन्स इट्स आउटरमोस्ट वन. नेक्स्ट वन इज ब्रोमीन. ब्रोमीन ओके इट्स वैलेंसी इज 1. इट मीन्स के बी आर. इट्स वैलेंसी 1 1 एंड क्रॉस मल्टीप्लाई इट विल बी फॉर्म टू के बी आर. ओके ऑल राइट इट मीन्स इट्स राइट. नेक्स्ट बी ए आई. बी ए वैलेंसी इज 2 एंड आई वैलेंसी इज 1. नाउ कंप्लीट इट बी ए आई 2. ओके नाउ कंप्लीट. नेक्स्ट के आई. इट्स वैलेंसी इज 1 आई वैलेंसी इज 1. नाउ यू विल क्रॉस के आई. क्लियर. नेक्स्ट बी ए बी आर. बी ए वैलेंसी इज 2 बी आर वैलेंसी इज 1. नाउ क्रॉस मल्टीप्लाई बी ए बी आर 2. ओके क्लास इट मीन्स आपके पास बी ए बी आर 2 फॉर्मेशन हुआ. ओके ऑल राइट यू विल नोटेड दैट फर्स्ट वन इज के बी आर. एज इट इज के बी आर यू विल बी नोटेड दैट के बी आर इन एक्वस फॉर्म. प्लस बी ए आई 2 इट विल बी फॉर्म टू बी ए आई 2 बिकॉज बी ए वैलेंस इज 2. यू विल बी क्रॉस मल्टीप्लाई एंड यू विल गेट योर आंसर. ओके नेक्स्ट वन इज के आई. इट विल बी इन एक्वस फॉर्म. नेक्स्ट वन के आई. इट विल बी सिंगल फॉर्म के आई इन एक्वस फॉर्म. प्लस बी ए बी आर 2. बी ए बी आर 2 ओके इन सॉलिड फॉर्म. ऑल राइट के इज वन मॉलिक्यूल्स. के इज वन मॉलिक्यूल्स. बी आर इज वन मॉलिक्यूल्स. बी आर इज टू मॉलिक्यूल्स. नाउ यू विल पुट देम टू मॉलिक्यूल्स. बी आर टू मॉलिक्यूल्स. बी आर टू मॉलिक्यूल्स बैलेंस. बट के इज टू मॉलिक्यूल्स एंड के इज वन मॉलिक्यूल्स. इट विल बी बैलेंस टू के टू मॉलिक्यूल्स. टू के बैलेंस. टू बी आर बैलेंस. वन बी ए बैलेंस. आई टू टू आई बैलेंस. इट मीन्स ट्वाइस के बी आर इन एक्वस फॉर्म प्लस बी ए आई टू इन एक्वस फॉर्म. टू के आई इन एक्वस फॉर्म प्लस बी ए बी आर टू इन सॉलिड फॉर्म. ट्वाइस ऑफ के बैलेंस. ट्वाइस ऑफ बी आर. बी आर टू बैलेंस. वन मॉलिक्यूल्स बी ए. वन मॉलिक्यूल्स बी ए बैलेंस. आई टू ट्वाइस ऑफ आई. इट मीन्स योर इक्वेशन विल बी. नाउ योर नेक्स्ट क्वेश्चन इज जिंक कार्बोनेट इन सॉलिड फॉर्म टू फॉर्म जिंक ऑक्साइड इन द फॉर्म ऑफ सॉलिड प्लस कार्बन डाइऑक्साइड इन द फॉर्म ऑफ गैसेस. इट मीन्स फर्स्टली यू नोटेड दैट द सिंबल ऑफ जिंक इज Zn. कार्बोनेट CO3 इन फॉर्म ऑफ सॉलिड. नाउ नेक्स्ट जिंक ऑक्साइड ZnO इन सॉलिड फॉर्म प्लस कार्बन डाइऑक्साइड इन गैसेस फॉर्म. ऑलराइट जिंक वन मॉलिक्यूल इज बैलेंस. नेक्स्ट कार्बन वन मॉलिक्यूल इज बैलेंस. ओ थ्री मॉलिक्यूल्स. ओ टू प्लस ओ. इट मीन्स योर इक्वेशन इज बैलेंस. क्लियर.
firstly you notate that this reaction in the form of this form, and you will be convert in the form of symbolic form. This equation is balanced. Okay, if your equation is not balanced, then you will be complete right hand side and left hand side, and you will be balanced this reaction. Okay, if you have complete this reaction, now you will note it as next reaction, question number third. Hydrogen in gaseous form plus chlorine in gaseous form to form hydrogens and chloride. Alright, in gaseous form. Okay, hydrogen is S2 form because it does not exist in single form. S2, N2, O2, most of the gases in the form of combination, because it will be formed to its complete its outermost. Okay, it will also known as octet rule. S2 in gaseous form, similarly as Cl2 in also in combination form, because it will be formed exist in noble gas electronic configuration. Cl2 gaseous to form HCl in gaseous form. Now balance this reaction, S2 one molecules, then balance this equation. Alright, this equation will be balance H2 twice of Cl2 twice of Cl. H2 molecules twice of H, Cl2 molecules twice of Cl. It means your equation will be balanced. Alright or not? Next question, magnesium solid plus hydrochloric acid in the form of aqueous to form magnesium chloride in the form of aqueous plus hydrogen in the form of gaseous form. Okay, magnesium symbols are Mg, alright, in solid form, plus HCl, hydrochloric acid, alright, in aqueous form, to gives magnesium chloride, Mg, Cl2, in aqueous form, plus H2, gaseous. Alright, first one is magnesium, second one hydrogen chloride. Alright, next one magnesium chloride. Magnesium balances 2, chlorine magnesium 1, and cross multiply, you will already learn in 9th class to get MgCl2 formula. Okay, now next hydrogen, it will be exist to doublet form because it will be exist to noble gas electronic configuration. Okay, alright, balance this equation, Mg 1 molecules, 1 molecules, alright. H 1 molecules but 2 molecules, you will get 2, twice of hydrogen, twice of hydrogen, it will be balanced. Now next twice here, twice will, it means your equation will be balanced. Are you clear or not?